यिर्मयाह अध्याय 12 यिर्मयाह के प्रश्न। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विपत्ति पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुँह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियाँ घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती है, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को न देखेगा। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया और घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें तो भी उनकी प्रतीति न कर। अपने लोगों के कारण परमेश्वर का दुख। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिय को शत्रुओं के वश में कर दिया है, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया और मेरे विरुद्ध राजा गरजा है। इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित्ती वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए है? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाएं। बहुतों से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया, उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है तो भी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे तिलों पर नाश करने वाले चढ़ाए हैं, क्योंकि यहोवा की तलवार देश के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है। किसी मनुष्य को शांति नहीं मिली। उन्होंने गेहूं तो बया परंतु कंटीले पेड़ काटे, उन्होंने कष्ट तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेत की उपज के विषय में लज्जित हो। शत्रु राष्ट्रों को दंड। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इजराइल को बनाया है। उसके विषय यहोवा यूं कहता है, मैं उनको उनकी भूमि से उखाड़ डालूंगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूंगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूंगा और उनमें से हर एक को उसके निज भाग और भूमि में फिर लगाऊंगा। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीखकर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगे, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा को बाल की सौगंध खाना सिखाया था, तब मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा। परंतु यदि वे न माने तो मैं उस जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी न पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है। थैंक यू।